तो अब जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडल का एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया बेंजीन, ठीक है, इसकी जो है आपने इससे रिएक्शन कराई CH3Cl और एक कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है टॉप। तो इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जैसे मैकेनिज्म में इसकी आपका CH3Cl प्लस AlCl3 AlCl4 माइनस प्लस CH3 पॉजिटिव, या इसको कुछ जगह ऐसे भी लिख देते हैं AlCl4, ठीक है। तो दोनों तरीके की मतलब चीजें रहती है, मिली है लिटरेचर में। तो कार्बो कैटायन जो आपका बना है वो जो है इस पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपने यहां घुमाया, ठीक है, सॉरी ये थ्री पॉजिटिव कर दीजिए आप, तो ये आपका यहां पर CH3 एच, ये पॉजिटिव चार्ज जो आपका रेजोनेंस में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोटॉन रिमूव करेगा नेक्स्ट स्टेप में AlCl4- के साथ, ठीक है, ये प्रोटॉन इसके साथ जाएगा तो आपका एरोमेटिक्स की आई जाएगी, CH3 लगा देगा यहाँ पे प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। ये जो है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म रहती है। तो इसमें आपका मिथाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो बहरहाल आप लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज के बारे में जानते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप एल्काइलेशन में कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड को भी ले सकते हैं, BF3 को भी ले सकते हैं, H2SO4 को भी ले सकते हैं, HF को भी ले सकते हैं, ZnCl2 को भी ले सकते हैं और एक्सेट्रा, यानी कि कुछ और भी ले सकते हैं BCl3 जैसे। और आपका जो एल्काइल हैलाइड्स है उनकी रिएक्टिविटी आपकी जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि RF इज मोर रिएक्टिव देन RCl इज RBr एंड RI, ठीक है, क्योंकि ये इजिली आपके कार्बो कैटायन बना देते हैं इसके साथ रिएक्शन करके कैटलिस्ट के साथ। तो अब मान लीजिए बेंजीन की इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा रिएक्टिव ज्यादा पार्ट होगा, क्लोरीन के क्लोरीन, ठीक है, तो ये आपको इस ऑर्डर से आपने जाना है कि क्लोरीन है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट के बारे में पहले अपने आप सोचिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ये स्टॉप करके वीडियो। तो आप लोग इन चारों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए और इनमें मान के चलिएगा कि बेंजीन एक्सिस में, ठीक है, किसी में भी मतलब बेंजीन की कोई कमी नहीं आने वाली, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, दो में हो, तीन में हो। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, ये बनता है CH2Cl, फिर आगे बेंजीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इससे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है CH2CH5 बन जाता है। इसमें आपके दो बेंजीन निकाल जाएंगे, ठीक है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे इधर से एक उधर से, तो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2CH5। इसमें आपके जो है तीनों क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे तो उसके तीन मोल यूज हो जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा। इसमें जो है आपका एक क्लोरीन एटम बचा है, ठीक है, केमिस्ट्री है तो कुछ एक्सेप्शन होंगे होंगे। उसका रीजन ये है कि जो आपका ये कंपाउंड होता है, ठीक है, दिस इज हाईली अनस्टेबल,
पिछले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिनमें से फर्स्ट है रीअरेंजमेंट इन एल्काइलेटिंग। देखिए जहां भी कार्बन कटायन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। कार्बन कटायन में आप लोग जानते हैं कि भाई 1-2 मिथाइल शिफ्ट या 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी हमें हमेशा देखनी होती है, चेक करनी होती है। यदि उससे आपका ज्यादा मतलब मोर स्टेबल कार्बन कटायन बन जाता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मिथाइल कार्बन कटायन है, ठीक है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मान लो इथाइल कार्बन कटायन है, इसमें आप पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, चलो ये सोच लो, योगेल स्ट्रक्चर। अब मान लो चलो जाते हैं हाइड्राइड, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, इस पर हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, तो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दोनों सेम है। लेकिन यदि आपने प्रोपाइल ले लो प्राइमरी, ठीक है ना, तो इसमें आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें पहले दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है, पहले तीसरे पे नहीं हो सकता है कभी भी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 मिथाइल शिफ्ट या कार्बन कटायन एक्सपेंशन, ठीक है, वो आपका 4-5 नंबर के कार्बन के जो रिंग मेंबर रिंग होते हैं उनमें पॉसिबल होता है, ठीक है, जिसको हम कार्बन कटायन में अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है, कार्बन कटायन में पड़ेगा। तो वहां पर जो है यदि आप इसमें यहां पर ये शिफ्ट करें तो ये आपका क्या बनेगा, ठीक है, तो ये अभी अलग है, ये आपका N है, ये आपका आइसो है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो इसलिए आप जब आगे जैसे मान लीजिए बेंजीन की है, जैसे आप मान लीजिए ले लेते हैं बेंजीन प्लस CH3 CH2 CH2 CL, तो आपका ठीक है, ये आपका कार्बन कटायन बनेगा, इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये वाला कार्बन कटायन मिल जाए, ठीक है, ये मोर स्टेबल है, अब ये आपका लेस स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल आपका ज्यादा रिएक्ट करेगा और जो लेस स्टेबल है वो ये बनाएगा प्लस आपका HCl, तो ये मेजर बनेगा। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में आपकी ये है कि ये आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जैसे आपने मान लो CH3Cl एक्सिस में ले लिया, तो HCl3 प्रेजेंस में पहले आपका एक स्टेप में होगी टॉलरिंग बनेगी, फिर आगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस ऑर्थो और पैराडाइएक्टिव ग्रुप बनेंगे, और ये आगे फिर आपका जो है इस तरीके के पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है they does not give the Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction.
ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन को शो नहीं करते। लेकिन यदि इसकी हम नाइट्रेशन कराएं या हाइड्रेशन हाइड्रोजन प्रोटोन के साथ रिएक्शन कराएं या सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की सल्फोनेशन करें, वो रिएक्शन ये नहीं मेटल एक्टिव ग्रुप दे देते, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वो रिएक्शन आपकी ये नहीं देते मेटल एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इन पर बेस क्वेश्चन काफी सारे रहते हैं कि बेंजल्डी हाइड्रो नाइट्रेशन होगी तो आपको यहां जी होगी, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आपके जो एलाइड है, these cannot use for the alkyl instead of alkyl halides, ठीक है। इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते क्योंकि इनके क्लोरीन और उनके क्लोरीन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। यहां जो है ये रेजोनेंस में चला जाता है इसके, ठीक है ना, तो ये आपका नहीं टूटता। दूसरा जो ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ ये है कि OH, NH2 और OR group, ठीक है, ये कंपाउंड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती क्योंकि इनमें क्या होता है कि जैसे ये NH2 है, इसके पास लोन पे है, तो ये LCl3 कार्बोनियम आयन बनाने की जगह इसी के साथ रिएक्ट करने का और आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स भी डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट। तो मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन इज एल्काइलेटेड विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इथाइल एंड मिथाइल बेंजीन एंड प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्लोरो बेंजीन। तो जैसे कि हमने लेक्चर में पहले भी डिस्कस करा था, तो आपका बेंजीन है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका इससे प्रोड्यूस होगा AlCl3 से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कार्बो कैटायन है जो रीअरेंज हो जाएगा और ये कार्बो कैटायन जो इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सी इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें एनिलीन है, ये आपका बेंजोएट आयन है और ये बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन है। तो ये दोनों ग्रुप तो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये तो आपके जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एनिलीन जो है ये आपका AlCl3 के साथ खुद रिएक्ट कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, कैटलिस्ट को खुद ही खत्म कर देता है, ये आपका ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। ये यदि आपका एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस है तो ये आपका जो है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इसलिए बी ही इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो। द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मली क्या है कि AlCl3 आपका जो है जैसे आपका HCl है तो इससे मतलब सॉरी CH3Cl है तो इससे रिएक्ट करके आपका AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तो C इज द करेक्ट। सो आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम A टू C, A B C ये कंपाउंड क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई जो ये ग्रुप है एच पॉजिटिव, ये इसमें प्रोटोनेशन कर देगा, ठीक है, मतलब प्रोटोनेशन हो गए जो है आपका, पहले यहाँ पर प्लस प्लस
ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका एच पॉजिटिव हो जाएगा प्रोटोनेशन से। तो यहाँ लिख देते हैं OH2 पॉजिटिव, वाटर माइनस हो गया, ये आपका कार्बन का टैंक बनेगा। टर्शियरी है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता है। ये कार्बन का टैंक यहां पर अटैक करेगा और माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर से, और ये बॉन्ड आपका कंपाउंड तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और अब जो है आपका ये जो कंपाउंड है जिसमें OMe ग्रुप है, ये आपका ऑर्थो एंड पैराडाइक्टिंग है। तो पैराडाइक्टिंग का ग्रुप आ ही रहा है, दो ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो इन पर जो है आपका ब्रोमीन आ जाएगा। आप ये प्रोडक्ट बन जाएंगे,